हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट्स कर चुके हैं या जो बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं उनके किस क्षेत्र में वो लोग अपना कैरियर बना सकते हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट्स जॉब हैं, प्राइवेट जॉब कौन सी हैं, उनकी सैलरी कितनी है, कब फॉर्म आते हैं, इनके बारे में देखेंगे। और जैसा कि बीएससी एग्रीकल्चर का क्या स्कोप है, लोग बोलते हैं इसका बहुत स्कोप है, बहुत सारी जॉब्स आती हैं, जैसा भी है तो हम देखेंगे कि इसमें कौन सी जॉब्स, कौन से लेवल की जॉब कहाँ कहाँ पे, कौन से एरिया पे आती हैं, ये सब हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो चैनल है आपको वीडियो जैसे कि एग्रीकल्चर की कम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड आपको जॉब के नोटिफिकेशंस उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यदि आप जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और भी संबंधित वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है कि आप यदि बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके हैं तो आपके पास पास तीन ऑप्शन हैं। या तो आप जॉब करेंगे तो जॉब में गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहेंगे या प्राइवेट जॉब में, या तो आप एमएससी करेंगे और पीएचडी करेंगे, या तो आप किसी फेलोशिप के द्वारा नेट या जेआरएफ करके एसआरएफ फेलोशिप, रिसर्च फेलोशिप में जाएंगे। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि जॉब्स जो हैं गवर्नमेंट जॉब, आज ज़्यादातर फोकस करेंगे हम गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब क्या कितनी है, कौन कौन से उसमें आपके एरिया पे गवर्नमेंट जॉब हैं उसे देखेंगे। देन स्टडी और रिसर्च का हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कि एमएससी और पीएचडी कहाँ से करें, रिसर्च के लिए जेआरएफ और एसआरएफ जो रिसर्च है, रिसर्च कहाँ करें, कैसे करें, ये सब देखेंगे। लेकिन आज का हम गवर्नमेंट जॉब देखेंगे कि गवर्नमेंट जॉब किस एरिया पे है। इसमें आप देख रहे होंगे नाबार्ड एक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसमें आपकी हर ईयर प्रत्येक ईयर वैकेंसी आती हैं, अच्छी खासी वैकेंसी आती हैं, जो कि इस समय वैकेंसी आई हुई हैं आपकी ग्रेड ए की असिस्टेंट मैनेजर की, जिसकी सैलरी वही अप्रॉक्स 70,000 या प्लस उसकी सैलरी होती है। इसमें प्री और मेंस एग्जाम होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अभी आपको वैकेंसी बताऊंगा, वैकेंसी का कुछ उसके बारे में बताऊंगा। यदि मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, तो वीडियो आपका लेंथी हो जाएगा। इसलिए आप इसमें देखिएगा कौन सी जॉब कैसी है, उसका क्या है और जॉब का क्या एलिजिबिलिटी है, ये देख लीजिएगा। और इससे संबंधित फिर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो नाबार्ड में वैकेंसी आती है ग्रेड ए की असिस्टेंट मैनेजर की, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी बीएससी एग्रीकल्चर, जो कि मैं बता चुका कि ये बीएससी एग्रीकल्चर के बाद की जॉब है, इसमें सभी में एलिजिबिलिटी बीएससी एग्रीकल्चर ही है मिनिमम एलिजिबिलिटी। तो ये अच्छी खासी जॉब है जो कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को मिलती है। ये अभी तो इसका नोटिफिकेशन आया हुआ था जो कि सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल थे, और इसका स्पेसिफिक नोटिफिकेशन एग्रीकल्चर के लिए वैकेंसी आती है जो असिस्टेंट मैनेजर की आती है, जिसमें ओनली एग्रीकल्चर अलाउ रहता है। नेक्स्ट है आपका आईबीपीएस, आईबीपीएस आरआरबी एसओ की वैकेंसी आती है, जिसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर और आपका यदि 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। आईबीपीएस आरआरबी एसओ जो है ये आईबीपीएस बैंक का जो आपका आयोग है वो कंडक्ट करवाता है। प्री मेंस इसमें जैसे एफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर ये में एग्जाम होते हैं, वैसे इसमें प्री एंड मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। बस इसमें क्या है कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर। अब इसमें आईबीपीएस, ये भी आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है इस एग्जाम को। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में आपका एग्रीकल्चर वालों का वैकेंसी आता है एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जो एलिजिबिलिटी होती है वो बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर एंड बीएससी एग्रीकल्चर के इक्विवेलेंट जो डिग्री हैं वो सभी इसमें एलिजिबल होते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है हर साल आता है और इसमें आपकी वैकेंसी 500 to 800 के आसपास रहती हैं,
जबकि इसका नोटिफिकेशन वही आपका सितंबर या अक्टूबर में आता है और इसका जो प्री एग्जाम होता है वो दिसंबर में होता है एंड मेंस एग्जाम इसका लास्ट जनवरी में होता है और इसका जो रिजल्ट है फरवरी एंड मार्च के अंत में आ जाता है। जिसका सबसे बड़ी बात यह है कि ये वैकेंसी हर साल आती है और आपको 6 महीने में अपना ये प्रोसेस कंप्लीट करके ज्वाइनिंग दे देती है। इसलिए एफओ की जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जो तैयारी है वो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स करते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न आप देखेंगे प्री एंड मेंस एंड इंटरव्यू वही रहता है। नेक्स्ट है आपका फसई। तो फसई में आपका आता है स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर। फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आती है। फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो वर्क है जो कि एडल्ट्रेशन जो आपका रहता है फूड में और जो भी फूड का चेक करना, जैसे आपके गोदाम्स होते हैं वहाँ पे चेक करना और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो वैकेंसी है ये कभी कभार फसई में आती है और वहाँ पे एलिजिबिलिटी जो रहती है आपकी बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फूड टेक एंड इक्विवेलेंट डिग्री जो होती हैं आपकी वो इसमें एलिजिबल होती हैं। अच्छी खासी जॉब है, इसकी सैलरी 60,000 प्लस रहती है। तो ये वैकेंसी कभी कभार आती हैं और बहुत कम संख्या में आती हैं। नेक्स्ट है आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई। जो एफसीआई की वैकेंसी है, अभी ये कुछ महीने पहले इस एफसीआई ने 2 फेज में वैकेंसी निकाली थी, 2 नोटिफिकेशन। एक था आपका असिस्टेंट जनरल, एक था मैनेजर का, जिसमें मैनेजर का 70,000 के आसपास आपकी सैलरी होती है। उसने मैनेजर की वैकेंसी निकाली थी रीजन वाइज, नॉर्थ रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ एंड आपका ईस्ट रीजन के हिसाब से निकाली थी। और दूसरी वैकेंसी इन्होंने निकाली थी असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की, जिसमें आपकी अप्रॉक्स 40,000 सैलरी रहती है। और इसके 2 साल पहले एक वैकेंसी आई थी एफसीआई में असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जिसकी सैलरी 85,000 प्लस रहती है। ये अच्छी खासी सैलरी देता है और आपको इसमें कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और नंबर ऑफ वैकेंसी ठीक रहती हैं, क्योंकि एजी थर्ड की नंबर ऑफ वैकेंसी जो थी असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की, उसमें 1600 वैकेंसी के आसपास थी। बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ था, इसका अभी नोटिफिकेशन आया था जिसमें सब कुछ रिजल्ट भी आ गया और ज्वाइनिंग भी मिल गई है। तो जैसा कि जब भी इन सभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है जैसा भी, तो मैं आपको इस चैनल पर अपडेट जरूर करता हूँ और इससे संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसलिए आप चैनल से बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट आपका वैकेंसी है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो कि UPSC कंडक्ट करवाता है। UPSC जो है वो IFS कंडक्ट करवाता है। जैसे कि इसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में एलिजिबिलिटी आपकी BSc एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री रहती है। ये अच्छी खासी जॉब है। आप जानते हैं जो UPSC के अंदर जो भी एग्जाम्स जिस भी जॉब के लिए होता है तो वो तो बहुत अच्छी जॉब रहती हैं। तो IFS में आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ADO एंड SDO, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एंड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। जैसा कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर में आप बहुत सारी वैकेंसी आई थी, आप देखे होंगे हरियाणा में, पंजाब में, ऐसे आपके तेलंगाना, ऐसे करके बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि ADO की वैकेंसी स्टेट वाइज निकालते हैं। अपना स्टेट्स इसको एग्रीकल्चर की जो वैकेंसी हैं ADO, SDO ये सब STA के थ्रू भी भर लेते हैं। और आपका जो एग्रीकल्चर, जो आपका UPPSC जो कि PCS जो करवाता है, PCS का जो आयोग है, UPPSC आयोग है, वो भी इन सब वैकेंसी को फिल कर लेता है। लेकिन अदर स्टेट में इनकी सेपरेट वैकेंसी निकलती हैं और वहाँ पे एक 1 एग्ज़ाम होता है और इंटरव्यू होता है, जिसके थ्रू आप आराम से उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं ADO का एंड SDO का। इसकी वैकेंसी आती ही रहती है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एंड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। मैं बता चुका है एलिजिबिलिटी BSc एग्रीकल्चर ही है। अभी वैकेंसी आई हुई है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, जबकि इसका फॉर्म आप लोग भर सकते हैं नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में। तो इसकी जो वैकेंसी है वो 1 या 2 साल के अंतराल में आती रहती है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में। एंड आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, इसकी भी वैकेंसी है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी आती हैं, जबकि कभी कभार किसी स्टेट्स में आती हैं। एंड RAEO जो रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, ये भी वैकेंसी जो हैं आपकी, ये वैकेंसी अभी मध्य प्रदेश में आई हुई थी,
जबकि आप लोगों ने फिल किया होगा और इसका एग्जाम भी हो चुका है। तो जो रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है ये भी अच्छी जॉब है, इसमें भी आपका बीएससी एग्रीकल्चर मांगा जाता है। नेक्स्ट है आपका यूपीपीएससी। यूपीपीएससी के अंदर आपके डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड डिप्टी एग्रीकल्चर डायरेक्टर एंड आपका ज्वाइंट एग्रीकल्चर डायरेक्टर एंड एसएसटीओ एंड एडीओ एंड डीएचओ, इस तरह की अच्छी खासी जो जॉब्स हैं, हाई प्रोफाइल वाली जॉब हैं, वो आपकी यूपीपीएससी इनको एग्ज़ाम करवा के फिल करती है। आप यूपीपीएससी का एग्ज़ाम देकर इनमें सिलेक्शन ले सकते हैं, तो ये अच्छी जॉब है। नेक्स्ट है आपका यूपी ट्रिपल एससी। जो यूपी ट्रिपल एससी एजीटी है, जो कि ये वैकेंसी बहुत डिले करती है, बहुत यूपी ट्रिपल एससी एक ऐसा आयोग है जो अधिकतर डिले ही करता रहता है वैकेंसी का, लोग इसका इंतज़ार करते रहते हैं, दो दो तीन तीन साल तक इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब भी ये वैकेंसी आती हैं तो ये थोड़ा सा नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा रहती हैं, इसलिए लोग इसका इंतज़ार करके और इसमें सिलेक्शन लेते हैं। जबकि अभी आने वाली हैं ये वैकेंसी एग्रीकल्चर टीए की, जो कि अभी भी पेंडिंग में है, बहुत दो साल से कह रहे हैं आ रही हैं, तो आप इसमें भी सिलेक्शन ले सकते हैं, इसमें भी बीएससी एग्रीकल्चर एलिजिबल होता है। नेक्स्ट है आपका एटीएम एंड बीटीएम, एरिया टेक्निकल मैनेजर एंड ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर। ये वैकेंसी शायद आपको बहुत कम दिखती होंगी, क्योंकि इनके बारे में आपको बहुत कम लोग ही बताते हैं। एटीएम और बीटीएम की वैकेंसी अभी बिहार में आई हुई थी, एरिया टेक्निकल मैनेजर एंड ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं यदि चाहें। जब भी इन सभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट्स आएगा तो मैं इनके बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी दूंगा और आपको सब बताऊंगा। अभी आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको वैकेंसी पसंद आए या जो भी आपको जॉब्स पसंद आए उसे आप सर्च करके उसके बारे में जान सकते हैं। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इफ्को। इफ्को में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग की वैकेंसी आती हैं, जो कि अभी आई हुई थी, जिसका एग्जाम हुआ, इंटरव्यू भी हुआ है, कुछ लोग सेलेक्ट भी हुए हैं। तो इफ्को की जो वैकेंसी है ये आपकी लिमिटेड रहती है, प्राइवेट लिमिटेड कोऑपरेशन वाली वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें जो सैलरी रहती है वो 37,000 से 40,000 के अप्रॉक्स रहता है। एलिजिबिलिटी बीएससी एग्रीकल्चर या एमएससी एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव जॉब्स है, प्राइवेट जॉब आप कह सकते हैं, लिमिटेड, ठीक है। तो इसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग की निकलती रहती हैं, इफ्को में निकलती रहती हैं, क्रिप्को में भी निकलती रहती हैं, और कुछ आपके और भी जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनमें वैकेंसी निकलती रहती हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आपको यदि आपके हिसाब से कोई भी गवर्नमेंट्स जॉब हैं उनमें भी आप यदि उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो प्राइवेट्स में भी आप पार्टिसिपेट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। और इसमें क्या है कि आप यदि इन सब वैकेंसी के बाद यदि आप ये चाहते हैं कि आप एमएससी या फिर रिसर्च में इंटरेस्ट है, रिसर्च एरिया में जाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक फेलोशिप निकलती है, एक आपकी फेलोशिप निकलती है एमएससी लेवल पे। यदि आप एमएससी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से एमएससी कर रहे हैं, तो आप इन फेलोशिप में, ये आपका एमएससी किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो आप सीएसटी यूपी समर रिसर्च फेलोशिप में इसका फॉर्म आता है, इसमें आप अप्लाई करके 50,000 तक की फेलोशिप पा सकते हैं और रिसर्च में जा सकते हैं। ये भी आपका एक अच्छा है। बस यहाँ पे आप ये जो वीडियो है इसे आप यदि इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इसका फॉर्म कब आता है ये भी आपको पता चल जाएगा। और इससे आपको अभी एक सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट्स की जो वैकेंसी है एसटीए की, जो कि एमएससी एग्रीकल्चर उसमें आपका एलिजिबल रहता है, तो एमएससी एग्रीकल्चर जो उसका सिलेबस है और उससे संबंधित जो भी नोटिस आई है या कुछ भी, तो आपको मैं बताता रहता हूँ, वो आप वीडियो में अपडेट्स में देख सकते हैं। और आप यदि सेल बायोलॉजी या बायोटेक या बायोकेमिस्ट्री से संबंधित वीडियो खोज रहे हैं या आपको लग रहा है कि ये मुझे पढ़ना है, तो आप चैनल में विजिट करके यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि ये है आपका
देख रहे होंगे, ये जॉब का नोटिफिकेशन आप ये पीजी एंड पीएचडी के लिए फेलोशिप, ये पीजी एंड पीएचडी के लिए जो फेलोशिप की वीडियो है वो आपको कहाँ कौन सी संस्था कहाँ से कितनी फेलोशिप देती है यदि आप रिसर्च में जाना चाहते हैं वो भी आप देख लीजिएगा। और बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी के लेक्चर भी पड़े हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।